स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिमाचल फॉर एवर में। दोस्तों आज की जो 4 सितंबर की जो मीटिंग हुई है कैबिनेट मीटिंग में, उसके डिसीजन आपके साथ जो भी निर्णय हुए हैं वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो कृपया वीडियो बने रहिए। अगर कोई जिस किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश कैबिनेट मीटिंग में जो फैसले हुए हैं, 4 सितंबर तक विद्यार्थियों के लिए बंद रहेंगे स्कूल। दोस्तों सबसे बड़ी आज की जो अपडेट है वो एक तो ये है कि 4 सितंबर तक जो स्कूल हैं, शिक्षण संस्थान हैं, वो बंद रहेंगे। तो इसमें और साथ में एक जो अपडेट इसमें और आई गई है वो मैंने पहले भी आपसे पिछले वीडियो में शेयर की थी कि 4000 अध्यापकों के, शिक्षकों के पद आज मंजूर हुए हैं। तो उसके बारे में भी हम थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे कि कौन कौन से पद हैं और कितने कितने पद कौन कौन से मतलब टीचरों के यहाँ पे अप्रूव्ड हुए हैं, और कुछ और भी यहाँ पे बहुत सारे फैसले हैं वो मैं आपके साथ आज शेयर करूँगा। तो वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को स्किप ना करें। तो हिमाचल प्रदेश कैबिनेट बैठक मंगलवार को राज्य थिगरी पीटर हाफ शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। कैबिनेट में सब स्कूलों को 4 सितंबर तक बंद रखने का फैसला लिया गया है। अभी स्कूलों में सरकार ने 30 अगस्त तक विद्यार्थियों को बुलाने पर रोक लगाई हुई है। शिक्षकों और गैर शिक्षकों को स्कूलों में आकर ही ऑनलाइन पढ़ाई करवाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं कॉलेजों में 1 सितंबर से नियमित कक्षाएं लगेंगी। कैबिनेट ने बड़ा फैसला लेते हुए शिक्षा विभाग में विभिन्न श्रेणियों के शिक्षकों के 4000 पदों को भरने की मंजूरी दी है। इसमें 1360 पद उच्च शिक्षा और 2640 पद प्रारंभिक शिक्षा विभाग में भरे जाएंगे। इनमें 810 जो पद होंगे वो JBT के, 820 पद कला अध्यापक के, 870 पद PET के और फिजिकल एजुकेशन टीचर के, 561 पद कॉलेज प्रवक्ता के, 214 पद स्कूल न्यू प्रवक्ता, 250 पद JOA पुस्तकालय के, 16 का कॉलेज आचार्य सहित तबला वादकों व योगा शिक्षकों के भी भरने का फैसला लिया है। इसके अलावा चंबा में एक मिडिल को हाई स्कूल और 2 हाई स्कूल को वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला का दर्जा दिया गया है। कैबिनेट ने मुख्यमंत्री इसके गृह विधानसभा क्षेत्र सराज में अटल आदर्श विद्यालय भी खोलने का फैसला लिया है। उधर बैठक में कोरोना को लेकर कोई बंदिश नहीं लगाने का फैसला लिया गया है। प्रदेश में पहले से लागू कोरोना बंदिशें ही लागू रहेंगी। दोस्तों इसमें ये जो पद हैं एक बार फिर से आप देख लें, 810 पद JBT के हैं और 820 पद हमारे ड्राइंग टीचर के हैं, 870 पद हमारे फिजिकल एजुकेशन टीचर मतलब PTI के हैं और 561 पद जो हैं कॉलेज लेक्चरर के हैं, 214 पद स्कूल न्यू प्रवक्ता के, स्कूल लेक्चरर के होंगे और 250 पद जो हैं JOA पुस्तकालय मतलब लाइब्रेरी के, और 16 पद हैं कॉलेज आचार्य एवं सहित तबला वादकों व योगा शिक्षकों के। दोस्तों ये टोटल हमारे पास जो यहाँ पे जो भर्ती आने वाली है जो अप्रूव्ड हुई है और बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगी। तो ये जी 4000 पदों के ऊपर भर्ती की जो अपडेट थी वो थी, साथ में जो स्कूल बंद हो रहे हैं उसके ऊपर अपडेट थी। आई होप दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इसी तरह की नई नई जानकारी के लिए आप बने रहिए हिमाचल फॉर एवर के साथ, ताकि और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। जय माता दी।